फाइनली गाइस, WWE ने क्राउन जेवल प्रीमियम लाइव इवेंट 2022 की अनाउंसमेंट कर दी है और ये इवेंट 5 नवंबर 2022 को होने वाला है। और क्राउन जेवल की खास बात ये है कि इस इवेंट में हमें ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इसका एग्जांपल है 2018 का क्राउन जेवल, जहां पर सोन माइकल ने अपने रिटायरमेंट को बुलाकर ट्रिपल एच के साथ टीम अप करके ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी दी अंडरटेकर एंड केन के साथ मैच लड़ा था, जिसमें उनकी जीत हुई थी। इसके अलावा लेजेंड ऑफ बॉक्सिंग टाइसन फ्यूरी भी क्राउन जेवल में रसल कर चुके हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर WWE क्राउन जेवल को रसलमेनिया की तरह बुक करती है और क्राउन जेवल को राइज ऑफ लेजेंड का नाम भी दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 WWE के ऐसे लेजेंड एंड सुपरस्टार्स के बारे में जो क्राउन जेवल 2022 में अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो इसे एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, और वीडियो को लाइक करके इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, रिटर्न की शुरुआत करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर से। तो फिलहाल ब्रोक लेसनर मनी इन द बैंक एंड समर स्लैम 2022 के लिए एडवर्टाइज है, और क्राउन जेवल से पहले ब्रोक लेसनर WWE में अपना रिटर्न कर लेंगे और WWE जरूर ब्रोक लेसनर को क्राउन जेवल के लिए बुक करेगी, क्योंकि WWE सऊदी अरेबिया में अभी तक 3 क्राउन जेवल के इवेंट करवा चुकी है और ब्रोक लेसनर ने उन तीनों इवेंट्स में कम्पीट किया है। और वैसे भी WWE का जो सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक वहां पर बड़े सुपरस्टार्स को WWE ले जाना चाहती है, तो ब्रोक लेसनर जरूर क्राउन जेवल में एक तगड़ा मैच लड़ेंगे और उनके अपोनेंट ऑल माइटी बॉबी लेसली हो सकते हैं, क्योंकि बॉबी लेसली ने ब्रोक लेसनर के साथ रीमैच की डिमांड की है अभी हाल फिलहाल में। तो शायद हमें ये मैच क्राउन जेवल में देखने को मिले। और इसके बाद दूसरा बड़ा नाम है गोल्डबर्ग का। तो गोल्डबर्ग WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके मुताबिक गोल्डबर्ग साल में 2 मैचेस में फाइट करते हैं। हालांकि इलिमिनेशन चेंबर 2022 के बाद गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ एक्सपायर हो चुका है, लेकिन गोल्डबर्ग जैसे बड़े सुपरस्टार को WWE जरूर क्राउन जेवल में लाएगी, और देखना होगा कि गोल्डबर्ग किसके साथ क्राउन जेवल में फाइट करते हैं। और इसके बाद अगला नाम है सीनेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना का। तो जॉन सीना फिलहाल हॉलीवुड में बिजी है, लेकिन जॉन सीना के लिए रूमर्स है कि वो समर स्लैम 2022 में रिटर्न कर लेंगे और ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका मैच हो सकता है। इसके अलावा जॉन सीना WWE के साथ बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं और WWE जब भी उन्हें कॉल करती है जॉन सीना तुरंत WWE में अपना रिटर्न कर लेते हैं। तो हो सकता है WWE क्राउन जेवल में जॉन सीना का रिटर्न करवाए और उनका बड़ा मैच करवा दे। वैसे एज वर्सेज जॉन सीना का मेगा मैच कैसा रहेगा क्राउन जेवल के लिए कमेंट करके बता सकती हो। और इसके बाद नंबर 4 पर है टाइसन फ्यूरी। तो टाइसन फ्यूरी ने 2019 में हुए क्राउन जेवल में ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ फाइट की थी, और अभी हाल फिलहाल में टाइसन फ्यूरी ड्र्यू मैकइंटायर के साथ मैच लड़ने में इंटरेस्टेड है। तो अगर टाइसन फ्यूरी क्राउन जेवल 2022 के लिए अपना रिटर्न करती हैं तो उनका मैच ड्र्यू मैकइंटायर के साथ हो सकता है। और फाइनली नंबर 5 पर है द रॉक उर्फ ड्वाइन जॉनसन। वैसे दोस्तों ये नाम थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन द रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच रसलमेनिया 39 के लिए बिल्ड किया जा रहा है, और लास्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने रोमन रेंग्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हुए उनकी तुलना द रॉक से की है। तो हो सकता है द रॉक अपना रिटर्न कर ले क्राउन जेवल में और अटैक कर दे रोमन रेंग्स पर, और शायद क्राउन जेवल के बाद रोमन रेंग्स एंड द रॉक की स्टोरीलाइन शुरू हो जाए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन या फिर मंडे नाइट रो में, और फिर रसलमेनिया 39 में रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का ड्रीम मैच हमें देखने को मिले। तो बस ये कुछ रिटर्न्स हैं जो कि क्राउन जेवल 2022 में हो सकते हैं। वैसे आप लोग इन पांचों में से कौन सा रिटर्न WWE के क्राउन जेवल इवेंट में जरूर देखना चाहोगे कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अगर कमेंट करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज इन हिंदी। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।